केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। जालंधर के संगत सिंह नगर टैगोर अस्पताल की वेबसाइट पर रात करीब 11 बजे एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने धावा बोल दिया। युवक को घायल अस्वस्था में सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया है। जानकारी अनुसार संगत सिंह नगर की गली नंबर 2 के एक मकान में किराए पर पुलिस मुलाजिम रह रहा था। लोगों अनुसार पुलिस मुलाजिम के पास रोजाना लड़कियां आती थी तथा आज भी इसी मसले कारण हंगामे हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही थाना 2 की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान इलाका पार्षद बंटी नीलकंठ भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस युवक पर हमला हुआ है उसके कमरे में नशीले टीकों के अलावा खाली सिरिंजे, भांग के डोले व पुलिस की 8 सेकंड 10 वर्दियां भी बरामद की गई हैं। युवकों द्वारा हमले का शिकार हुए युवक के कमरे का दरवाजा तोड़कर चेक करने पर उक्त सारा सामान सामने आया है। लोगों ने बताया कि किराए के मकान में रहने वाला अपने आप को पुलिस मुलाजिम बताता था तथा उसकी छवि काफी खराब थी, जिस कारण मोहल्ले वालों ने उसके साथ कभी राबता नहीं रखा। आज भी किसी लड़की के कारण उस पर हमला किया गया है। खुशबू पंजाब दी के लिए जलंधर से जिवेश किलो और सुशील हंस की विशेष रिपोर्ट। सर दादू जड़े थे की होया कि संत सिंह नगर मैं रोडी आस्ता से आज मेरे फोन आया भी संत सिंह नगर कोई झगड़ा है इतने मौके पे आए हैं तो मंदे जो पता लगा सीगा भी कोई उत्ते मुलाजिम रहंदे ओना दा थल्ले कोई झगड़ा होया किसी ने सट लगी है ओनु लेके चले गए सी मौके पे सामने कोई मुलाजिम नहीं मिले मुलाजमान या वर्दियां जिहड़ियां अंदर करदियां पईयां सीगियां दूसरे कमरे नु ताला लगा हुआ ठीक है जी बाकी किसी ने कोई फिलहाल मैं कोई कंप्लेंट नहीं दी रिटर्न से बाकी जे किसी की कोई एमएलआर आएगी तो जिदा नहीं होगी कार्रवाई हो सकती सर जो मुलाजम उन्होंने नेम प्लेट वगैरह या बैल्ट नंबर वगैरह पता लगा कौन है कितों के रहने हाँ उस तो बाद पहुंचो साहब आए थे मौके से अच्छा जी दूसरे कमरे का ताला खोल के चेक किया गया उस वर्दी पई थी पीएमबी के मुलाजम की है 995 नंबर है राजवीर सिंह पहुंचा तो आके पहला SHO साहब ने फोन किया तो आके जो अंदर देखा जो फेक वर्दियां पगिया टीके दे जो भंग के गोले जिन्हों कहें भोला भोला कहें जखीरा मिलया सरिंजा के 4-5 पैकेट मिले है कुछ चमचा कुछ समगरी भी मिली है पुलिस बुला के इंक्वायरी करा रहे हैं तो जो भी पुलिस इंक्वायरी करूगी जो भी इस गली दे विच या इस घर के जो पुलिस वाले मुलाजम कहते हैं कि अभी मुलाजम हाँ सवेरे पता लगेगा जो वेरीफाई होगा PAP का नंबर दस रहे हैं जो भी ये वेरीफाई पुलिस करूगी उन्होंने वो तो सजा मिल रही है अगे ही पंजाब सरकार ये कह रही है कि नशा मुक्त होना चाहिए पंजाब जबकि एक संगत सिंह नगर के पिछों गली नंबर 2 आ नंबर का कोई पता नहीं इस हिसाब से इतों 2 पैकेट सानू भंग दे जो कि नशे के तौर पर वरते जाते हैं वो मिले है पुलिस नूं असी यही CP साहब नूं भी यही गुजारिश करते हाथ जोड़ के कि इस महल के सुर पता लैके प्रोपर नाके लवाए जाण जो भी इतने नशे वाला कारोबार हो रहा इनू बंद किया जाए ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋਮਬਲੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਭਾਜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਐਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਡਾ ਚਗਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਘਰ ਬਾਹਰ 10-12 ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਧਰੋਂ ਗਲੀ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਮਕਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਛੱਟਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਘਾਤੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਛੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਛੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਹੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਸਨ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰ ਵਰਦੀਆਂ ਫੇਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਨ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ 4-5 ਜਣੇ ਆ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਨਿਕਲੀ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਟਮਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਆਣ ਛੱਤੇ ਬਾਈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਕਮਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਭੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਭੀਆਂ ਵੰਡੇ ਬਾਈ देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल के पीडी न्यूज़ हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।